ज्योतिरादित्य सिंधिया अग्रवाल समाज के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाएंगे। ये संदेश उन्होंने कांग्रेस के सक्रिय नेता और समाज सेवी शैलेश गर्ग की संस्था अग्रमंच पर दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से रविवार का दिन सुपर संडे रहा। दिन भर सिंधिया का पॉलिटिकल लंच चला तो वहीं शाम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अग्रवाल समाज के लोकप्रिय समाज सेवी शैलेश गर्ग ने सिंधिया को अपने मंच पर बुलाकर सियासी ताकत दिखाई। इस दौरान महाराज ने कहा कि वे समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। कुर्ता पजामा और नेहरू जैकेट पहनकर मंच पर आकर हाथ में माइक लेकर आगे कागज का टुकड़ा न हो और 5 मिनट नौजवान बोले, मैं बधाई देना चाहता हूं लक्ष्य को। और सबसे ज्यादा प्रभावित मैं हुआ हूं कि आप लोगों को सौभाग्य भी मिला है। जो सौभाग्य आज मुझे मिला है, कृपा की ताली हो जाए। केवल आशा जी की अभी तक ताली नहीं हो जाए। सौभाग्य मुझे मिला है, लक्ष्य का विजिटिंग कार्ड मिला है और ये हमारा भविष्य का नेतृत्व बैठा हुआ है। पर देखिए आप कि कितनी अनुशासन है इसमें। इसने अपने विजिटिंग कार्ड में लिखा है, लक्ष्य गुप्ता बाल कार्यकर्ता। ये मेरा मोबाइल नंबर है, लेकिन मोबाइल नंबर के साथ लिखा है टाइमिंग, केवल 6 और 8 बजे शाम तक आप मुझे फोन कर सकते हो, उसके अलावा मत फोन कर। तो ये अनुशासन की पाठ लक्ष्य ने बचपन में मुझ जैसे जन सेवकों को भी पढ़ा दी है कि मैं लक्ष्य को फोन करूंगा तो केवल 6 और 8 के बीच में फोन करूंगा, नहीं तो नहीं फोन करूंगा। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को, आपके समाज से कई प्रतिष्ठित लोग उभरे हैं हमारे। दरअसल अग्रसेन जयंती को लेकर शैलेश गर्ग की संस्था अग्रमंच समाज से समाज सेवियों का सम्मान कर रही है। इसी कड़ी में रविंद्रनाथ गृह में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर सिंधिया ने समाज के लोगों का सम्मान किया। वहीं शैलेश गर्ग का कहना है कि जिस तरह से उन्हें महाराज ने आगे बढ़ाया है उसी तरह समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अग्रमंच संस्था हर साल लगातार 30-35 आयोजन करती है। उसी श्रृंखला में अग्रसेन जयंती की तो 5143 हमारे महाराज की जयंती है, उस अवसर पर आज एक नई पहल आयोजन था जिसमें आदरणीय सिंधिया जी के द्वारा शिरकत की गई। हमारा समाज बड़ा अभिभूत है और वेस्ट समाज के सभी लोग आज महाराज को देखकर उनको सुनकर बड़े अभिभूत हुए हैं और ये पहली बार है जब सिंधिया जी ने हमारे समाज के आयोजन में शिरकत की है। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि सिंधिया जी द्वारा समाज के लोगों को संबोधित कर सभी बातें कही गई और समाज जनों ने भी उनका भरपूर सम्मान किया। और इसके बाद अब हमारा आगामी आयोजन जो है वो इसके बाद चलेगा, बच्चों का रैम शो है, बॉलीवुड कलाकार आ रहे हैं, कई प्रकार के आयोजन आज यहाँ दिन भर। अब मैं वही कहना चाहूँगा कि महाराज ने बहुत अच्छी बात कही कि समाज बताए किसे आगे बढ़ाना है और उसमें वो क्षमता भी होना चाहिए, तो क्षमता जिसमें हो वो आगे बढ़ेगा। आप लोग देख रहे हैं लगातार, मुझे भी 20 साल राजनीतिक जीवन में हो चुके हैं, मैं आदरणीय सिंधिया जी से लगातार जुड़ा हूं और उन्होंने कुछ देखा होगा तभी आज यहाँ आकर उन्होंने ताकत दी है और लगातार मेरे नेता के रूप में महाराज मुझे आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। मेरी यही आज इस अवसर पर महाराज का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे आकर आज मेरा मान बढ़ाया और समाज जनों को संबोधित किया। शैलेश गर्ग ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबियों में से एक माने जाते हैं। कुल मिलाकर इंदौर में कांग्रेस को रफ्तार देने आए ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते जाते शैलेश का सियासी कद बढ़ा गए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।